कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई वस्तु गिर जाती है या फिर चोरी चली जाती है। तो यहाँ पर आज एक बहुत ही सटीक बात मैं बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी गिरी हुई वस्तु या आपकी गुम हुई वस्तु या फिर आपकी चोरी हुई वस्तु किस दिशा में है, किस दिशा में गई है और उसकी मिलने की संभावना है या नहीं है। यहाँ पर देखिए एक श्लोक है, विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्र मंदे प्रयत्नतः स्यात् दूरे श्रवणम मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। यह एक श्लोक सारी बात बता देता है। जो यह श्लोक कह रहा है उसी को मैंने यहाँ पर एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपनी गुम हुई वस्तु या चोरी की गई वस्तु के बारे में जान सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, एक 28वां नक्षत्र भी होता है जो कि अभिजीत नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर 28 नक्षत्र हुए। इन 28 नक्षत्रों को ही यहाँ पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन और अंधाक्ष। ये चार वर्गीकरण किए हुए हैं, इन नामों से इनको जाना जाता है कि ये मंदाक्ष नक्षत्र है, ये मध्याक्ष है, ये सुलोचन है, ये अंधाक्ष। मंदाक्ष इसमें अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और सतभिषा नक्षत्र आते हैं। मध्याक्ष में भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्वाभाद्रपद। सुलोचन में कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा, फाल्गुनी, स्वाति, मूला, श्रवणा, उत्तरा भाद्रपद और अंधाक्ष नक्षत्र। अंधाक्ष में रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये सभी नक्षत्र आते हैं। तो यहाँ पर जो मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन और अंधाक्ष हैं, ये आप कह रहे हैं कि नक्षत्रों का एक ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हर एक ग्रुप में 7-7 नक्षत्र हैं। यदि आपको यह टेबल याद रखनी है तो कैसे याद रखनी है, आपको पता है कि अश्विनी से शुरू होते हैं सारे नक्षत्र। तो अश्विनी देखिए कैसे लिखा गया है, इसको अश्विनी, फिर भरणी, कृतिका, रोहिणी, उसके बाद पुनः मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, फिर नीचे आ रहे हैं आश्लेषा, मघा। इस प्रकार करके 28 नक्षत्र लिख दिए गए हैं। जो अभिजीत नक्षत्र होता है वो देखिए उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के बीच में पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार 28 नक्षत्र हैं जिनको चार ग्रुप में बांटा गया है, जो अभी हमने बताया। अब देखिए, जिस समय आपकी वस्तु गिर गई है या गुम हो गई है या चोरी हो गई है, जन्म किसी पंचांग में आप देखिए, किसी पंचांग में देखिए या किसी पंडित जी से पूछ लीजिए या फिर इंटरनेट पे आप देख लीजिए कि उस वक्त उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था। तो उदाहरण के लिए यदि उस समय पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा था तो पुनर्वसु नक्षत्र देखिए सुलोचन ग्रुप में आता है, तो सुलोचन ग्रुप का क्या फल होगा उससे आप मिला लीजिए। उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वस्तु किस दिशा में है और मिलने की संभावना है या नहीं। दूसरा उदाहरण, मान लिया वह भरणी नक्षत्र में गिरी हुई है, जिस समय वस्तु गिरी हुई है, गुम हुई हुई या फिर चोरी हुई है, उस समय नक्षत्र आप देख लीजिए पंचांग में या फिर इंटरनेट पे। उस समय यदि भरणी नक्षत्र है तो भरणी नक्षत्र मध्याक्ष ग्रुप में आता है, तो आप मध्याक्ष वाले फल से उस वस्तु के बारे में जान सकते हैं। अब इन सभी ग्रुपों का क्या फल होता है वह ध्यान से सुने और नोट भी कर लें बाद में। यदि अंधाक्ष ग्रुप के नक्षत्रों में आपकी वस्तु गुम हुई हुई है या गिर गई है, चोरी हुई है, तो आपकी वस्तु पूर्व दिशा में जाती है और प्रयत्न करने पर शीघ्र मिलने की संभावना रहती है। यदि आपकी वस्तु सुलोचन ग्रुप के किसी भी नक्षत्र में चोरी हुई है, गुम हुई हुई है या फिर गिर गई है, तो वह वस्तु उत्तर दिशा में जाती है
और इसका पता भी नहीं चल पाता है। तीसरा, यदि आपकी वस्तु मध्याक्ष ग्रुप के किसी भी नक्षत्र में गुम हुई है या फिर गिर गई है या फिर चोरी हो गई है तो यह पश्चिम दिशा में जाती है, और प्रयत्न करने के बाद इसका पता भी यदि चल जाता है तो भी यह वस्तु नहीं मिलती। अंत में आता है मंदाक्ष ग्रुप। यदि मंदाक्ष ग्रुप के नक्षत्रों में आपकी वस्तु गिर गई है, गुम हुई है या चोरी हो गई है तो आपकी वस्तु दक्षिण दिशा में जाती है, और अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद इसके मिलने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी वस्तु किस दिशा में गई है और मिलने की क्या संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।